हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम दीपक पांडे दिस साइड एंड वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ टीम इंजीनियर्स। मेरे साथ है मिस्टर आशीष फ्रॉम एसएस भटनागर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, राइट? सही स्पेल किया मैंने? हाँ सर। पंजाब यूनिवर्सिटी। कब के पास आउट है आशीष? सर 2018 पास आउट। 2018 पास आउट फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग। सो थोड़ा सा आशीष के साथ अभी डिस्कशन है हमारी रिगार्डिंग हिज प्रिपरेशन, जो इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन गेट 2021। तो सारे फैक्ट्स जो भी हैं वो आपके सामने हैं, कैंडिडेट आपके सामने हैं। आप खुद देखो कि एक कैंडिडेट किन चीज़ों से गुजर रहा है ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ प्रिपरेशन। 18 पास आउट है और अभी इन्होंने गेट 2021 दिया है, ठीक है? तो 18 में क्या रैंक थी आपकी? अपीयरिंग में दिया था ना आपने? यस सर, 2018 में मेरी रैंक थी नहीं, मैंने क्वालिफाई नहीं करवाया था। क्वालिफाई नहीं किया था। 27 मार्क्स थे मेरे उस समय। 27 मार्क्स थे। तो प्रिपेयर करके दिया था या फिर कुछ ऐसे ही गया था मैं पेपर में? बस ऐसे ही चले गए थे। जैसे ज़्यादातर मैंने आपको इससे पहले भी सत्यवीर जी का आपने इंटरव्यू देखा होगा या बाकी कैंडिडेट्स का भी देखा होगा, मैं खुद भी गया था और मेरे साथ भी पहला एक्सपीरियंस यही था। 2013 का गेट मैंने लाइफ में पहली बार दिया एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया क्वालिफाई नहीं हो पाया था। बस स्टूडेंट ऐसे ही चले जाते हैं, राइट? देन यू मेड डिसीजन कि भाई कोचिंग करनी है। यस सर। ठीक है, तो आपने 18 का गेट देने के बाद 18 से 19 के बीच कोचिंग करी ना? यस सर, 18 नहीं, आपने 18 से 19 के बीच कोचिंग करी। तो 19 में फिर आपने प्रिपेयर करके गेट दिया, ठीक है? तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब आपने 18 से 19 प्रिपेयर किया तो सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में चली थी, क्या हुआ था? नो सर, एक्चुअली में क्या होता कि मेरे कॉलेज के कुछ रीअपीयर से कॉलेज के कुछ भारी वगैरह तो, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था कोचिंग के टाइम में तो मेरे को उन कॉलेज के जो पेपर्स होते हैं वो भी मेरे को देने पड़ रहे थे, ठीक है? तो कोचिंग में भी उतना टाइम में इन्वेस्ट कर नहीं पाया। सेमेस्टर मैनेज करने के चक्कर में मतलब टाइम इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं हो पाया, तो ठीक है। तो प्रिपरेशन के बाद क्या रैंक रही थी? सब प्रिपरेशन के बाद थी 736 रैंक। 736, लेकिन यही है 736 रैंक फिर भी आप ले आए काफ़ी, मतलब उसको एक डिसेंट परफॉर्मेंस मानूंगा मैं। लेकिन ये है कि प्रिपरेशन तो पूरी नहीं थी उस समय, मतलब आधी भी थी या वो भी नहीं थी? करीबन 80% तो कंप्लीट था। 80% थी, लेकिन कुछ टॉपिक्स में स्टिल डाउट था मेरे को। टॉपिक्स में डाउट था, सब्जेक्ट भी कुछ छोड़े होंगे एक आधे? तो नो सर, सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट थे। सब्जेक्ट कंप्लीट थे, ठीक है। तो 19 में 700 आने के बाद मास्टर्स का नहीं सोचा? स्टार्टिंग में सर सोचा था मैंने मास्टर्स का, और मैंने अप्लाई भी किया था तो मेरे को एमटेक मिल रहा था आईआईटी रुड़की से। रुड़की से एमटेक मिल रहा था, और मैं आपको बता दूं ये रुड़की से ही है ना, फिर भी आपने मतलब एमटेक ड्रॉप आउट कर दिया, मतलब छोड़ दिया है, एडमिशन नहीं लिया? नहीं सर, एडमिशन नहीं लिया था मेरे था कि सर एक साल मैंने तैयारी की, टाइम इन्वेस्ट किया मैंने, तो थोड़ा सा जो मेरी गलतियाँ हैं जो मैंने 2018 में की है 19 में की है उसको मैं रेक्टिफाई करता हूँ और एक और चांस है मेरे पास तो मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ एक बार। तो ऐसा नहीं लगा कि मतलब एक साल का रिस्क ले लिया हमने, एक साल में 700 रैंक आ गई? क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट आता है ना वो दूसरे साल का रिस्क लेते वक्त बड़ा कंफ्यूज रहता है कि रिस्क लेना है या एमटेक करके प्रिपेयर करनी है। तो ये डिसाइड कैसे हुआ यहाँ पे, मतलब क्या फैक्टर था जिसने बताया कि नहीं भाई अब ड्रॉप करना है? सर रिस्क फैक्टर तो हर टाइम पे रहता है, रिस्क फैक्टर रहता है, ये बात भी समझनी जरूरी, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है यार, एंट्रेंस में रिस्क फैक्टर रहेगा रहेगा, हो सकता है दूसरी बार में भी ना हो, है ना? और मैं अभी इनसे बात कर ही रहा था तो एक मेरा स्टूडेंट तो नहीं है हालांकि, लेकिन एक एक्सपीरियंस है मेरे साथ, मिस्टर रोशन बाबू गुप्ता हैं, 2017 के कैंडिडेट थे, 7th अटेम्प्ट दिया था उन्होंने, 22nd रैंक थी उनकी। तो फिर मतलब फिर डिसाइड क्या किया आपने कि रिस्क तो है ही, है ना? तो सब मैंने ये सोचा कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने कि जो मेरी गलती है उसको रेक्टिफाई करने का, और नेगेटिव चीज़ तो आती रहती है लेकिन मैंने उस पर इतना ध्यान दिया नहीं। मैंने सीधा 2019 में जुलाई में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी, जुलाई में कर देती, क्योंकि लगा कि पूरे साल दोबारा से मैं लगाता हूँ, एक नया तरीके से स्टार्ट करता हूँ, फ्रेश स्टार्ट करता हूँ, जो टॉपिक्स मेरे रह गए थे, क्लैरिटी नहीं थी जिसमें, और प्लस टेस्ट सीरीज इतने क्वेश्चंस मैंने किए भी नहीं थे उस लास्ट ईयर कंपैरिजन में। तो आपका 19 में आपने सेल्फी किया उसको लगभग, है ना? अच्छा, तो बीच में लेकिन आप लोगों की हमारी तरफ से भी कुछ गाइडेंस वगैरह रही थी क्या 19 में? बात हुई थी भाई 19-20 से? ये सर आपसे मैं मतलब पूछा था मैंने कि कैसे प्रिपेयर कर ये सब करना है, तो फेसबुक के जरिए बात हुई थी, फेसबुक के थ्रू। तो आपका एक, क्योंकि इनका एक एक्सीडेंट भी हुआ था जैसा आपने बताया 19 में हुआ था, ये तो 2019 में हुआ था मेरा, मतलब गेट के बाद? नहीं तो गेट के अक्टूबर के टाइम में हुआ था, 2019 अक्टूबर में। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद भी क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो गया था तो इन्होंने तब मैसेज किया था कि हाँ सर प्रिपरेशन, तो उसके उसका भी इफेक्ट था 700 रैंक आने में या फिर? हाँ सर, मेरा 1.5 महीने तक उतना रूटीन में था नहीं, मतलब प्रिपरेशन हो, 1.5 महीने का गैप तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है, मतलब प्रिपरेशन। फिर मैंने दिसंबर एंड से मैंने अपनी प्रिपरेशन दोबारा रीगेन की थी, तो जितना मेरे को टाइम मिला उसे मैंने अपने टॉपिक्स कवर किए, जो टेस्ट सीरीज है क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किए।
तो 2020 फिर गेट आपने लगभग सेल्फ प्रिपेयर करके थोड़ी बहुत हमारी तरफ से जो भी आपको गाइडेंस मिली वो करके, और फिर 2020 में भी दिया, क्या रैंक रही सर? 2020 में रैंक 150 रही। 150 रही, तो रैंक वॉज क्वाइट गुड, जनरल में आता है ना जनरल, तो बट पीएसयू में पता है कि 150 रैंक थोड़ी सी रिस्की हो जाती है, प्लस कोरोना है ना, कोविड का भी टाइम आ गया तो रिक्रूटमेंट्स थोड़ी सी डिले हो गई। तो 150 में आप कहाँ कहाँ से कॉल आई, इंटरव्यू कॉल? सर 150 में बीएआरसी से कॉल आई है, एक बीएआरसी से कॉल आई, बाकी क्योंकि ओएनजीसी की रिक्रूटमेंट 20 की अभी तक नहीं हुई, आईओसीएल से कॉल नहीं आई होगी, ओएनजीसी से होती तो डेफिनेटली आ जाती, बाकी पीएसयू से कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज की वजह से मे बी ना आई हो, ठीक है। सो अच्छा एक और चीज़ इसमें कि 150 आने के बाद अब तो मतलब दूसरी बार दे दिया, तो अब नहीं लगा कि अब आईटी बॉम्बे ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि आईटी बॉम्बे ठीक है, आईटी बॉम्बे भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का रहता है कि यार आईटी बॉम्बे इज़ द टॉप आईटी फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, या ऐसी बैंगलोर भी मिल जाता है, आराम से मिल जाता है आपको, तो अप्लाई भी नहीं किया? सर अप्लाई किया था मैंने, फिर आईटी, हाँ ये सर, कहाँ पे सर? आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल गया था। एडमिशन भी ले लिया था? हाँ। अच्छा हाँ, आपने बात करते एडमिशन ले लिया देन, क्योंकि भाई देखो सेकंड टाइम दे दिया 150 रैंक आ गई, तो अब थोड़ा रिस्क सा फील होने लगता है कि यार 150 कहीं अगली बार में 140 पे रहेगा, 130 पे रहेगा। यस सर। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? सर मतलब एडमिशन मैंने मतलब ये सोच के लिया था कि अभी तो कोविड का सिनेरियो चल रहा है, तो रिक्रूटमेंट अभी भले ही नहीं हो रही है, लेकिन बाद में सितंबर टाइम में रिक्रूटमेंट निकलेगी, तो मैं था कि तब तक उस समय प्रिपेयर भी कर लेते हैं, इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, और एडमिशन भी ले लिया था एमटेक में, ठीक है। तो मेरे था कि साइड बाय साइड एमटेक भी हो जाएगी, अगर बाय चांस अगर नहीं बना सीन तो फिर एमटेक का सोचा था कि वो भी कर सकते हैं। तो एमटेक फिर बाद में आपने छोड़ दी, कब किस समय? सर मतलब एमटेक मैंने ज्वाइन किया, फिर एक महीने बाद मैंने पढ़ाई तो की थी सर एमटेक की, लेकिन उतना ऑनलाइन मतलब सही से मजा आ नहीं रहा था, सही बताया तो ऑनलाइन हो नहीं पा रहा, क्योंकि एमटेक में भी अब यार एक तो वैसे ही दो साल अटेम्प्ट देने के बाद आप घर पे बड़ी मुश्किल से मूड बना पाए थे, अब फिर से वहीं ऑनलाइन क्लासेस, तो इन्होंने आईटी बॉम्बे का एमटेक भी वहाँ से ड्रॉप आउट कर दिया। तो ये फैसला कब लिया कि 21 भी देना है, क्योंकि देखो 150 आने के बाद ना मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं उनके पास ये रहता है कि सर 150 आई है, 150 आने का मतलब उसने सब कुछ पढ़ रखा है, तो अब मतलब कैसे लगा कि अब यार शायद और ऊपर जा सकता हूँ, किस किस चीज़ों में कमी रहेगी, वो डिसाइड कब किया कि पहले तो गेट देना है 21 का? सर जब एमटेक का एडमिशन स्टार्ट हो चुका था, मतलब क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी, क्लासेस तो एक महीना मैंने पढ़ाई की, लेकिन फिर मेरे को पता चला कि इतना कोप अप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मतलब ये करीबन सितंबर के आसपास का ही टाइम होगा। यस सर सितंबर के टाइम, फिर भी लेट हो चुका था, फिर भी बंदे ने डिसाइड करा कि नहीं 21 देना है, यस सितंबर के आसपास डिसाइड हो गया होगा। तो ये मतलब कैसे बताया जाए बच्चों को कि 150 या 200 वाली रैंक के जो बच्चे हैं, बहुत सारे अभी ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट्स थे, वो सोचते हैं कि यार हमारे में ऐसी क्या मतलब कमी है कि मैं 1 नहीं ला पाया या फिर 10 नहीं ला पाया, तो तुम्हें क्या लगा कि ऐसा और क्या रह गया? सब रैंक लाने में 1 या 10 में उसमें एग्ज़ाम का जो जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन का भी डिपेंड करता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन अंडर 100 डालने में कुछ पोर्शन होता है, जैसे कि मेरा 150 रैंक आया था, तो मैंने देखा था कि मेरे जो जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, ठीक है, उसमें मेरे काफ़ी कम मार्क्स थे, तो मैंने वो थे करीबन 20 में, सो 15 में से 5 मार्क्स थे मेरे, 15 में से 5 तो मतलब कम ही मान के चलेंगे, बिकॉज मैं स्टूडेंट्स को जनरली कहता हूँ यार कि 10-11 लाए जा सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ग्रामेटिकल या इंग्लिश वाला पार्ट हटा भी दो तो 10-11 लाया जा सकते हैं। तो एप्टीट्यूड का एक पोर्शन था, और कुछ कमी? सर एप्टीट्यूड का था, और एक क्वेश्चन में मेरा मतलब थोड़ा वहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी, मेरे से गलती कर दी मैंने, तो मैं कहता था कि हड़बड़ी भी थोड़ा उसको भी देखना है कि पेशेंस से करना है, कूल माइंड से करना है पेपर, ठीक है, घबराना नहीं है, थोड़ा घबराहट थोड़ी जो पैनिक या नर्वसनेस होती है, तो ऐसा नहीं लगा कि नर्वसनेस तो शायद तीसरी बार भी हो जाए फिर से, और शायद 150 के बाद 250 भी आ जाए फिर? सर हाँ, लेकिन वो नर्वस तो रहता है, लेकिन मेरा को ये मालूम था कि मेरा जो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन है वो उतना प्रिपेयर्ड नहीं है अच्छे से, तो उसके कुछ क्वेश्चंस जब नहीं हुए थे तो हल्का सा बीच में आया था, लेकिन फिर बाद में बैलेंस हो गया था वो चीज़। तो जब आपने फैसला किया, अच्छा जनरल एप्टीट्यूड में इंजीनियर्स पे यूट्यूब चैनल पे हमने काफ़ी कुछ किया, तो अटेंड किया कोई सेशन क्या? ये सर इस बार अटेंड किया। कौन सा वाला? सर वर्क टाइम का, क्योंकि मेरे ख्याल से विनीत सर ने डिस्टेंस स्पीड और वर्क टाइम वाले तो 5-6 लेक्चर तो डायरेक्ट यूट्यूब पे भी रखे हैं, और स्पेशल पे भी काफ़ी काम किया हम लोगों ने, तो वो सारे अटेंड किए थे। ये सर स्पेशल वाले भी अटेंड किए थे, और इस बार क्वेश्चंस भी आई है स्पेशल वाले के। स्पेशल के तो हाँ करीबन एक दो सब मतलब एक पेपर फोल्डिंग का था, और एक और था कुछ, एक मेरे को एग्जैक्ट सिलेंडर और ये सरफेस एरिया निकालने, हाँ सरफेस एरिया वगैरह वही पेपर फोल्डिंग का एक था, और एक और कुछ कटिंग वगैरह का था एक पेपर का, तो दोनों से सवाल तो आए, तो वो थोड़ी उन वीडियोज से भी हेल्प हुई होगी एप्टी में। हाँ ये सर मतलब
एप्टीट्यूड होता आसान है, लेकिन इसको एक करने का एक और अप्रोच होता है जिसमें कि वैल्यूज को जैसे एक्स वाई ये लेके नहीं करना होता इन जनरल, पुट करके वैसे करने का तरीका भी होता है ये, मतलब टाइम कम होता है उस कम टाइम डोमेन में, तुम्हें आंसर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है ठीक है और एक्यूरेट आंसर भी आना चाहिए। तो एप्टी आपने मतलब थोड़ा सा यहाँ यूट्यूब चैनल से बाकी खुद से करके आपने एप्टी को तो मैनेज किया, और क्या कमजोरी रह गई थी सर? और बुक मैंने इस बार काफ़ी पढ़ा है, मैंने इस बार बुक्स भी पढ़ी। कौन से बुक्स पढ़ी सर? जैसे सीआरई के लिए लेवल स्पील। तो लेवल स्पील में मतलब ऐसा क्या पढ़ा जो तुम्हें लगा कि पिछले साल नहीं तैयार था, इस साल वो हुआ पढ़ने से? सर जैसे आरटीडी में नॉन आइडियल रिएक्टर्स में ग्राफ थे, तो एफ कर्व वर्सेस टी कर्व, ई कर्व वर्सेस टी कर्व, तो इनके ग्राफ्स को मैंने और अच्छे से समझा कि क्योंकि इस बार लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, तो इस बार प्रोबेबिलिटी भी थी कि शायद आ सकता है क्वेश्चन, हालांकि शायद इस बार आया नहीं है, बट ठीक है अपने को तो पढ़ना ही है। और मतलब इंजीनियर्स पे अगर आप लोगों ने सीआरई का कोर्स वगैरह देखा होगा तो नॉन आइडियल काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, जितनी ज़रूरत है उतने में तो बताया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें तो पूरी हो ही जानी है ठीक है। तो उसके बाद अब आपने फैसला लिया टेस्ट सीरीज़ के बारे में, अब बताओ जो मेन जो तुम्हारा जो इनका एक मेन पॉइंट रहा है जो इन्होंने इंजीनियर्स टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी, क्योंकि स्टूडेंट तो ये पहले रहे, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ही कहता हूँ कि देखो एक बार पढ़ लिया आपने, मैं नहीं कहता कि दोबारा आके पढ़ो तिबारा आके पढ़ो, वो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत जो कमियाँ आपको दूर करनी है वो आप खुद से भी कर सकते हो, पढ़ के भी कर सकते हो इंजीनियर्स पे। इसलिए स्टूडेंट्स को हम लोगों ने इस बार ये भी एक ऑफर दिया था कि मान लीजिए जैसे आपने पढ़ा, आपको लगा कि मेरा सीआरई का पार्ट कमज़ोर रह गया, अब पार्ट तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हम लोगों ने इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऑफर्स दिए थे बच्चों को कि भाई तुम्हारा ये एप्टीट्यूड कमज़ोर रहेगा, तुम बस एप्टीट्यूड लेके पढ़ो, पूरे कोर्सेज में इनरोल मत करो। तो ये हमें लगा कि ये काफ़ी मतलब तुम्हारी तरह जो स्टूडेंट्स जो अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ उनको हेल्पफुल होगा। तो टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करी तुमने? सर टेस्ट सीरीज दिसंबर मैंने ज्वाइन की है, दिसंबर में। तो ये मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा जो मतलब अगस्त से जुलाई से शोर मचाते हैं कि सर टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करनी है। दिसंबर में तुमने भी ज्वाइन करी, एक स्टूडेंट सत्यवीर है उसने भी ज्वाइन करी, बहुत अच्छे नंबर पा रहा है वो भी, और बच्चों ने 31 जनवरी को भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी जबकि पेपर 13 फेब को था ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट दिए पहले तो, टोटल कितने दिए होंगे करीबन? सर फुल लेंथ जो टेस्ट है वो तो 20 दिए थे मैंने, फुल लेंथ सारे दे दिए उन्होंने, सारे फुल लेंथ दिए थे। तो ये भी एक मतलब ऐसे जेन्युइन तरीके से टेस्ट सीरीज देने वाले कैंडिडेट है, क्योंकि ऐसे भी काफ़ी है जिन्होंने लिया पर दिया नहीं। मैं जानता हूँ हर बार हर टेस्ट के साथ ऐसा होता है। और सब्जेक्ट वाइज कितने दिए? सर सब्जेक्ट वाइज मैंने 10 के करीबन दिए थे, 10 के करीबन दे दिए थे। तो जब आपने ये टेस्ट दिए शुरू में, मतलब एक तो कुछ इसके ऐसे पॉइंट्स बताओ टेस्ट में जो तुम्हें लगा कि अलग है, बाकियों से अलग भी है, और वैसे भी एज ए इंडिविजुअल तुम्हें क्या लगा कि इसमें क्या चीज़ें थी जो मतलब पहले इससे पहले जब तुमने प्रिपरेशन करी तो वहाँ पे नहीं मिली? सर टेस्ट सीरीज़ में इस बार क्वेश्चंस ऐसे थे कि खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस थे, उसमें था कि जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें कोई पैराग्राफ उठा लिया और उसके बेस्ड पे हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए, बुक के पैराग्राफ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाए हुए, तो एक मतलब एक वैरायटी मिली होगी ना टेस्ट में। yes, मतलब exactly. और मैंने बच्चों को शुरू में भी प्रॉमिस किया था कि तुम अगर 52 टेस्ट दे रहे हो, 52 शायद नहीं 48-47 के आसपास टेस्ट वहाँ पे दिखे होंगे, हमने लास्ट में कुछ स्पीड टेस्ट वहाँ पे अपलोड नहीं किए डिलीबरेटली बिकॉज उस टाइम वो स्पीड टेस्ट आपको नुकसान ही करते, तो वहाँ पे हमने वैरायटी पूरी मेंटेन करी है। और बुक के स्टैंडर्ड बुक के जो क्वेश्चंस हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस कुछ होंगे ज़रूर, लेकिन स्टैंडर्ड बुक के पैराग्राफ में से क्वेश्चन निकाल निकाल के डाला है। यस सर। और ऐसे जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो देख के क्या शुरू में कम नंबर आए होंगे उसमें मेरे ख्याल से? सब्जेक्ट वाइज स्टार्टिंग में कम नंबर आए थे, लेकिन सर मेरा ऐसा था कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करता था, मैंने पढ़ा था, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे रह जाते हैं बुक्स में जिनका पढ़ते तो हैं लेकिन वो रिकॉल नहीं होता है दिमाग में, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी थे टेस्ट सीरीज में, तो उससे ये बेनिफिट हो गया था कि बुक्स को रेफर करने का बार बार चांस मिल रहा था कि बुक्स से भी पढ़े जाए। ये एक तरीका एक्चुअली होता क्या है ना टेस्ट में, मैंने खुद से कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जानबूझ के और उसका सोल्यूशन भी जानबूझ के थोड़ा सा ट्रिकी दिया है, शायद वो ना समझ आए, ताकि बंदा जो पढ़ रहा है ना जनरली वो उसको ढूंढेगा, वो टेस्ट सीरीज में ढूंढेगा, फ्रेंड से पूछेगा, टीचर से पूछेगा, बुक में ढूंढेगा, वीडियो में ढूंढेगा, नोट्स में ढूंढेगा, और यही पर्पस होता है एक्चुअली। और कोई पॉइंट टेस्ट सीरीज का? सर टेस्ट सीरीज में एक तो मार्क्स तो होते हैं लेकिन उतना उसको वेटेज नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा कि टेस्ट सीरीज जो 3 घंटे है उस 3 घंटे में कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कितने जल्दी करने हैं अटेम्प्ट, और कामनेस होना चाहिए, तो फिर वो सब चीज़ें टेस्ट सीरीज से ही सीखता है इंसान। तो MSQ मिले टेस्ट में कुछ? ये सर काफ़ी मिले, कुछ कुछ में तो काफ़ी थे एक्चुअली, पेपर में तो उतने नहीं आए, बट मैं अभी से आपको बता रहा हूँ 10 के करीब 10 के करीब MSQ होंगे, बिल्कुल होंगे। शुरू में हमने तो 10-15 MSQ मेंटेन किए,
लास्ट में थोड़ा सा स्टूडेंट को काम रखने के लिए थोड़े से हमने MSQs के अमाउंट जो क्वेश्चन थे कम कर दिए। इस बार 3 MSQ आए आपके पास और मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ अभी से कि 22 में डेफिनेटली नंबर ऑफ MSQs आर गोइंग टू इंक्रीज। रिपीटिशन क्वेश्चन की कुछ मिली क्या टेस्ट में आपको? नो सर, काफ़ी पिछले टेस्ट सीरीज में जो मैंने दिए थे पिछले साल तो उसमें आता कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते थे, पास्ट गेट के रिपीट हो गए। रिपीटिशन, हाँ, पास्ट गेट के क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हालांकि हमने एक पेपर डिज़ाइन किया है गेट के बेसिस पर, वहाँ आपको लग सकता है, तो वो डिलीबरेटली किया गया है, ठीक है। वो लास्ट के कुछ फुल लेंथ, एक फुल लेंथ हमने गेट पैटर्न पे डिज़ाइन किया क्योंकि थोड़ा सा रिविजन करना वहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। और एक और चीज़ की आपको इररिलेवेंट क्वेश्चन, एक ये प्रॉब्लम, ये हाँ सर, एक ये प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इररिलेवेंट होते हैं, वो फिर अब वो अटेम्प्ट होते नहीं है टेस्ट सीरीज में, तो उसकी वजह से अगर मार्क्स थोड़ा कम आ जाता है तो फिर स्टूडेंट को लगता है कि मार्क्स कम आ गए, फिर उनका जो फ्रीक्वेंसी है टेस्ट सीरीज देने का वो कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसा स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है। तो तुम्हें इंजीनियर्स में टेस्ट में रिलेवेंट क्वेश्चन जो मिले इररिलेवेंट टाइप के? ये सर मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी कि इंजीनियर्स टेस्ट सीरीज में उतने मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चन उतने दिखेंगे भी नहीं, सारे के सारे रिलेवेंट बेसिस पे थे और ऐसे थे कि कॉन्सेप्चुअल वाइज कि ये वाली चीज़ अगर नहीं भी पढ़ी है, बाई चांस मिस हो गई है, तो वो दोबारा से हम पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। बिल्कुल, तो ये कुछ चीज़ें जो एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज में होनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप इंजीनियर्स में ही देखिए, अगर आप कहीं और भी देखते हैं तो एक प्रॉपर टेस्ट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। रेपिटिशन नहीं है, गेट के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, प्लस आपके पास इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, पेपर में एक दो क्वेश्चन हम जानबूझ के डालते हैं, रीज़न ये कि आपको बताने का आपको वहाँ नहीं फंसना है, आपको छोड़ना है उसको, आप दूसरे करिए। तो पेपर को एनालाइज भी करते थे किसी तरह से, मान लीजिए अटैम्प्ट किया आपने टेस्ट पेपर, उसके बाद का क्या प्रोसेस था? सर उसके बाद पहले तो मैं देखता था कि जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए उसमें देखता था कि दोबारा से रीअटैम्प्ट करता था उतने ही टाइम में, उतने टाइम में मेरे को मिलता था। टेस्ट को तो हमने शायद एक ही बार अटेम्प्ट कर रखा था, उसका एक ही अटेम्प्ट दे सकते थे, अटेम्प्ट एक था, लेकिन क्वेश्चंस को जब मैं एनालाइज करता था देख के तो था कि क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो किस वजह से गलत हुए हैं, कोई मिस्टेक हो गया क्वेश्चन करते हुए या फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, ठीक है। और क्वेश्चंस को जैसा जब जो क्वेश्चंस काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो एक तो ब्रॉड व्यू मिलता है हमको, एक दिमाग खुलता है कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चंस को अप्रोच किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये जो लास्ट के जो फुल लेंथ वगैरह आपने दिए, लास्ट में लगभग कितने नंबर्स आने लग गए थे फुल लेंथ में? सर स्टार्टिंग में तो मेरे 35-45 आते थे, लेकिन 2-3 टेस्ट के बाद मेरे 65-70, तो फिर बाद में मेरे एवरेज ऑन एन एवरेज 65 होते थे। तो ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि मेरे पास ये क्वेरी आती है हमेशा कि सर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, और मैं आप सभी को ये बताऊंगा, तुम्हें कभी ऐसा लगा 35-40 जब आ रहे थे तो? नो सर, मेरे को था कि ठीक है, मेरे को अपनी गलती पता चल रही है, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि अच्छा लगता था कि हाँ वो गलती को रेक्टिफाई करने का पता चलेगा। मैंने स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोला है कि टेस्ट सीरीज देने के पर्पस ये नहीं कि यार मेरे नंबर 80 आ जाए 85 आ जाए, सीखना है बस, बस सीखते रहो देते रहो और 100% चीज़ें अच्छी होंगी। तो पेपर में जब आपने पेपर देखा तो एक तो हमने, अच्छा मैंने ये भी किया लास्ट के, आपने कहा सारे टेस्ट दिए, तो लास्ट के 3 टेस्ट जो हमने किए उसमें हमने क्वेश्चन जंबल कर दिए थे फाइनली, थोड़ा सा हमने कहा कि इसका भी एक्सपीरियंस मिल जाए, MSQ था ही था। तो पेपर देख के मतलब क्या लगा, टेस्ट सीरीज कितनी मतलब आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ हुई ड्यूरिंग द अटेम्प्ट जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे? सर जैसे इस बार टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो कि हमने देखे नहीं थे उतने क्वेश्चंस, और वैसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस किए भी नहीं थे, तो वो होता था कि नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का घबराना नहीं है वहाँ पे, तो पहले से ही वो आइडिया मिल गया था टेस्ट सीरीज में, पहले से आप घबरा चुके हैं जितना घबराना था, है ना। तो देखो एक डिसेंट तरीके से अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो डेफिनेटली उस टेस्ट का वहाँ पे फ़ायदा तो होना है। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पेपर में? सर 61 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 61, दैट्स मतलब गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन, गुड क्या, डिसेंट, आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ठीक ठाक अटेम्प्ट कर गए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट कर पाना पॉसिबल लग रहा था? टाइम बचा था क्या कुछ और इसके बाद? ये सर टाइम बचा था, बच गया था। हाँ अच्छा, 5 मिनट बच गए थे, 5 मिनट बच गए थे। क्या स्ट्रेटजी क्या थी ऐसे कि 5 मिनट भी बच गए और 61 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए नहीं एक्यूरेसी के साथ? ऐसा था कि मैंने सबसे पहले टेक्निकल पोर्शन में 1-1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे उनको चूज करके फिर बाद में उनको अटेम्प्ट किया, पहले उनको अटेम्प्ट किया, पहले करा। यस सर, तो वो तो पीछे थे काफी बीच-बीच में, सर ढूंढा उनको। हाँ सर ढूंढे किया, 1 मार्क वाले जो ढूंढ के करते गए है ना। यस सर, और 2 मार्क्स वाले जो बीच में आया छोड़ते गए उसको। हाँ तो छोड़ते गए, ठीक है। तो अच्छा कोई सब्जेक्ट तो छोड़ के गए नहीं होगी इस बार तो, मेरे ख्याल से जब तीसरी बार है तो कोई वैसी गुंजाइश नहीं थी, ठीक है ना। ठीक है, तो आपने उसके बाद सेकंड वाले नंबर पे आए। यस सर, कोई क्वेश्चन देख के ऐसा लगा जो पहली बार में नहीं हुआ तो एक फीलिंग आती कि यार ये नहीं हुआ, मतलब पहली बार में ही आपने अटेम्प्ट किया, हालांकि आपने 1 मार्क वाले अटेम्प्ट किया तो मेरे ख्याल से वो होते गए होंगे, ये भी हो सकता है।
क्योंकि कई बार होता है कि आपसे दो तीन प्रॉब्लम्स नहीं हुई देन फिर मतलब आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, तो कुछ ऐसी फीलिंग पेपर में बीच में कहीं आई क्या? सर एक क्वेश्चन में आया था लेकिन वो थोड़े से मिल गया था, फिर मेरे को था कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, वो टाइम क्यों वहाँ पे इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो मतलब परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है एंड वी होप दैट आशीष बिल्कुल जो भी इनका आगे जो भी ये सोच रहे आगे POCs के लिए, जिस भी POCs के लिए डेफिनेटली उनको मिले। हमारी तरफ से आपको इंजीनियर्स टीम की तरफ से, मेरी तरफ से या सुनील सर की तरफ से या विनीत सर की तरफ से या जो भी टीम मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कैसा सपोर्ट रहता है, मतलब अभी नहीं इससे पहले और अभी तक की भी जो बात करें? सर जैसे आपसे तो मैंने प्रॉपर पढ़ा हुआ है PDC CRE PC, तो वो क्वेश्चंस का ऐसा है कि एक बार आपसे पढ़ लिया तो फिर वो चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रहती थी। और सुनील जहांगीर सर से जो FM पढ़ा था तो उसका भी काफ़ी बेनिफिट हुआ, पता चला कि और कौन कौन से क्वेश्चंस है जहाँ पे प्रॉब्लम आती थी वो सारी। क्योंकि इस बार FM में कुछ ट्रिकी आया था, है ना, जो स्टूडेंट्स कहते रहते कि सर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बस ये कि जब आ जाएंगे तो वही कर पाएगा जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है, जिन कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि इस बार एक दो कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे FM में ट्रिकी, जो मुझे सुनील सर से बात करने पर लगा कि नहीं यहाँ के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए थे। ठीक है, तो आगे भी मतलब टीम इंजीनियर्स के साथ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंजीनियर्स के साथ आप सभी लोग जुड़िए एंड चाहे किसी भी तरह के प्रोग्राम हो ऑनलाइन ऑफलाइन, हम लोग पूरी तरह से, हमारी पूरी टीम आपके सपोर्ट में है ना। और आशीष के साथ भी मैं अभी यही कहूँगा भाई, अभी आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए लग जाना है, थोड़ा सा अभी चिल करिए, रैंक आपकी जो भी बन गई, अब जो बन गई है ना, अब चिल करिए और दो तीन महीने के बाद ही इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि जब तक हाथ में नौकरी आ ना जाए ना तब तक पढ़ाई का प्रोसेस नहीं छूटना चाहिए। जहाँ लंबा ब्रेक आया वहाँ फिर आगे इंटरव्यू में भी दिक्कत होती है, होती है इंटरव्यू में दिक्कत होगी, आप फिर होता क्या है अगर आपका एक डेढ़ महीने का ब्रेक हो गया तो फिर आप बोलोगे कि सर अब ये चीज़ें भूल गए, बस अब बता दो कि ये कहाँ कहाँ से पढ़ना है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जिन्होंने लॉकडाउन लगा तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, उनको था कि ठीक है बाद में इंटरव्यूज होंगे, तो फिर वो पीरियड जो था लर्निंग का उन्होंने वो मिस कर दिया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पीरियड था। और एक बात सीधे साधे समझो, आप अपॉर्चुनिटी के आने के बाद अगर बोलोगे कि अब मैं तैयारी करूंगा वो कभी हो ही नहीं पाएगा, फिर आप करते रहो, हमेशा करते रहो, है ना, आपको तैयारी हमेशा रखनी पड़ेगी। हाँ, मैंने था कि जो भी मेरे रिविजन है, जो भी मैंने गेट के लिए पहले प्रिपरेशन किया था उसको अगर मैंने पढ़ाई नहीं की दोबारा से तो सारी सारी जो जितनी भी प्रिपरेशन थी मेहनत थी वो सारी डल हो जाएगी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, कंटिन्यूटी चाहिए, जब तक आपके हाथ में आ गई, हालांकि उसके बाद भी कंटिन्यूटी चाहिए, वो दूसरी चीज़ें आप सीखते हो, लेकिन ये जो पढ़ाई वाला प्रोसेस है ना ये कंटिन्यूस है। सो थैंक यू सो मच आशीष एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।